हिमाचल पथ परिवहन निगम पीसमील कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। ये पीसमील कर्मचारी हिमाचल प्रदेश सरकार से इन्हें अनुबंध नीति में लाने की मांग कर रहे हैं। पीसमील कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी, तब तक धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। इन कर्मचारियों का कहना है कि ये लंबे समय से HRTC के लिए सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन निगम इनकी सुध नहीं ले रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम पीसमील कर्मचारी मंच के अध्यक्ष खेमचंद का कहना है कि साल 2015 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पीसमील कर्मचारियों को अनुबंध नीति में लाने की बात कही गई थी। इसके बाद 450 कर्मचारियों को निगम की ओर से अनुबंध नीति में लाया गया, लेकिन जुलाई 2017 के बाद निगम ने पीसमील कर्मचारियों को नीति के तहत लेना बंद कर दिया। मंच के अध्यक्ष खेमचंद ने कहा कि सरकार की ओर से अनुबंध नीति में शामिल न करने की वजह से करीब 950 पीसमील कर्मचारी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में भी पीसमील कर्मचारियों को 3 से 3,500 रुपये ही वेतन दिया जा रहा है। महंगाई के इस दौर में उनके लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकार ने पीसमील कर्मचारी के तौर पर 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके ITI होल्डर और 6 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके गैर ITI होल्डर को अनुबंध नीति के तहत लाया था। मंच ने हिमाचल सरकार और पथ परिवहन निगम के अधिकारियों से मांग की है कि उनके लिए जल्द से जल्द अनुबंध नीति को बहाल किया जाए। जिस तरह पहले कर्मचारियों को अनुबंध नीति के तहत लाया गया, ठीक उसी तरह इन 950 कर्मचारियों को अनुबंध नीति के तहत लाया जाए। बता दें कि पीसमील कर्मचारी हिमाचल पथ परिवहन निगम की कार्यशाला में टेक्निकल काम करते हैं। इसमें बस के टायर बदलने, सीट कवर लगाने, पेंट, इलेक्ट्रीशियन का काम शामिल है। तीन नहीं, हमारे 4 बैच जो है हमारे अनुबंध पे आ गए हैं, और जो पीसमील से 4 और 5 और 5 और 6 साल की जो पहुंची थी उसके अनुरूप जो है हमारे 4 बैच जो है अनुबंध पे आ गए, और जो तीनों के तीनों बैच नियम हो चुके हैं। पर सरकार और प्रबंधन ने जो हमारी जो विमान है 2017 के बाद वो उसमें पूरी स्टॉपिंग लगा दिया है, ना हमारे साथ कोई बात तो करते हैं। हम बार बार डिमांड लेके जाते हैं सरकार के पास भी और प्रबंधन के पास भी, और वही बोलते हैं कि आपकी फाइल चली है, ये कभी हो रहा है, कभी कुछ ऐसी हमारी चली है, और रोज नियमित रूप से हमारे से काम लिया जाता है, जिसके अनुरूप जो जो श्रम विभाग द्वारा हमारे को मिनिमम बेसिस और एक स्किम स्केल्ड हाई स्केल्ड जो वर्क हमारे को जो वेतन मान दिया जाता है वो भी नहीं दिया जाता है। हालांकि यहाँ छुट्टियाँ भी नहीं जाती, एक श्रम कानून का सबसे बड़ा उल्लंघन है कि 8 घंटे जो हमारे 6 दिन पूरे होते हैं तो 7वें दिन हर कर्मचारी को एक वीकली रेस्ट मिलता है, तो यहाँ पर वीकली रेस्ट भी नहीं दिया जाता है। देखिए सरकार और सरकार का ये उपक्रम और सरकार के अधिकारी हमारे बीच में कैसे श्रम कानून का उल्लंघन करते हैं। मेरा तो श्रम आयुक्त से भी बात है, एक बात तो सॉल्व ही जाइए, आप उनसे पूछिए कि आपका जो HRTC जो सरकार का एक प्रबंधन है, सरकार का एक उपक्रम है, HRTC कॉरपोरेशन है, वो जो उसमें जो हमारा कर्मचारी वहाँ पर काम करता है वो किस दशा में काम करता है, क्या उसके पास मिनिमम वेजेज है, क्या उसके पास वीकली ऑफ है, क्या उसके पास जो वर्कशॉप में वो एक मान्य तय किया जाता है कि भी वो उसके बाद एक छात्र की होती है कि भाई उसके साथ एक सीनियर व्यक्ति काम करता है, सीनियर जो सीनियर मैकेनिक या फिटर उसके साथ काम करता है। पर आज जो पीस मेयर कर्मचारियों को जो है वो इंडिपेंडेंट बस दी जाती है कि भी आप ये काम करेंगे। आजकल बात करते हैं हम कि आजकल तो हमारी बसीज है वो BS4 आ गई है, तो हमारे नियमित कर्मचारी इससे पहले जो नियमित कर्मचारी है तो वो हमारी चाहती हमारे स्पेंडर से काम करते थे, सब चीज़ों से काम करते थे, पर आजकल जो काम है वो डिजिटल आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, सेंसर लगे हैं गाड़ियों में, आजकल वो लैपटॉप से काम किया जाता है। एक लैपटॉप 3 दिन की 3 वर्कशॉप में तो चलता है, क्या सरकार के पास प्रबंधन के पास हर वर्कशॉप के लिए एक लैपटॉप नहीं है? और हमारा जो पीसमेल कर्मचारी है
जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से क्वालिफिकेशन लेके यहाँ पर आया है, उससे पहले भी उसने कई कई कंपनियों में काम किया और अच्छी अच्छी सैलरी लेके वो अपनी अच्छी सैलरी जो वहाँ कंपनियों में छोड़ दी और यहाँ पर सोचता है कि मैं अपने घर में काम करूँगा, अपने माँ बाप के पास रहूँगा। तो आज जो हमारा कर्मचारी है, तो हम अपने माँ बाप को भी बोलना चाहते हैं कि देखिए हम तो कहाँ खड़े हैं, हमारा जो कर्मचारी कहाँ खड़ा है, हमारा जो सोचते हैं कि भी हमारा बेटा काम करने जाए, पर हमारा बेटा जो है वो किस तरह किस मुसीबत में काम कर रहा है, अपने परिवार को नहीं बांट सकता, अपने आप को नहीं कर सकता। हम बात करते हैं सरकार जो इस तरफ ध्यान लाए और हमारा प्रबंधन जो सोए सो चुका है वो अपनी नीचे जाके तो हमारी जो पॉलिसी है उसको बाहर लगता है सरकार भी सुनेगी, सुन रही होगी नारे के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तो शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आज हमारा मीडिया इतना तरक्की कर चुका है कि आज जो हमारी बात है एक सेकंड के अंदर सब लोग देख रहे हैं फेसबुक पे। हम अपनी समस्त जनता से, हिमाचल की समस्त जनता से भी अनुरोध करते हैं वो भी सड़कों पे आए और जो हमारे वो भी बात करें, इस मामले में बात करें और सोशल मीडिया से हमारे प्रबंधन से पूछा जाए कि इनकी पॉलिसी क्यों बाहर निकल जाती है। तो हमारी यही बात है कि अगर कोई निर्णय नहीं लेता है तो हमारी कोर्ट समिति तय करेगी कि अगला फैसला क्या होगा।